सो हेलो एवरीवन, और एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस टाइपिंग की सीरीज़ में, जिसमें हम देख रहे हैं हिंदी टाइपिंग, वो भी मंगल फंड इंस्क्रिप्ट लेआउट। ठीक है, अब तक आपने क्या देखा? होम रो की कीज़ को देखा, और आज भी हम होम रो की काफ़ी कीज़ को देखने वाले। कुछ कीज़ को हमने छोड़ दिया था, ठीक है, एक दो कीज़, दो चार कीज़ को हमने छोड़ दिया था कि उसको बाद में करेंगे, ओके। पर आज हम उन कीज़ की एक्सरसाइज करेंगे। डे थ्री में भी हमने जो है कंप्लीट कर लिया था उन कीज़ को प्रॉपरली, और आप, हम आशा करते हैं कि आपने प्रॉपर एक्सरसाइज करी होगी। तो चलिए देखते हैं कि डे फोर में आपको कितने वर्ड्स की एक्सरसाइज करनी है। और मैं आपको क्लियरली ये बात बता दूं कि जो है आपको जो टाइपिंग करनी है एक एक लाइन की, आप कम से कम 10 से 15 बार टाइपिंग करेंगे, और जो आपको फॉन्ट साइज रखनी है वो 14 से 16 के बीच में रखनी है। आप ये मत कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा बड़ा फॉन्ट साइज़ ले लें, जिससे जो है आप कहें मैम अरे आपने 10 से 15 पेज कहा है, तो आप फॉन्ट साइज़ में इतना रखूँगा जल्दी जल्दी टाइपिंग हो जाएगी। नहीं, ये मत कीजिएगा, ये आपके साथ ही चीटिंग होगी। आपको प्रॉपरली टाइपिंग सीखनी है तो आप प्लीज़ जो है थोड़ी एक्सरसाइज ज़्यादा करें, ठीक है। आप देखते हैं डे फोर में आपके वर्ड्स क्या है, एक्सरसाइज देख लीजिए, उसी अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। वर्ड्स आपके हैं पेर, पर, रब, केर, टेक, तेर, रेत, टेर, रेट, कटे, टेक, टके, तटे, टेट, पके, केच, केप, चेप, पेच, टेप, पेट, कट, रुक, कुप, पुक, टुक, तुक, पुट, परच, कतर, कटर, चपर, चटक, टपक, कपट, पटक और चपत। ये रहे आपके पूरे वर्ड्स, ठीक है। इसको प्रॉपर आप टाइपिंग कीजिए, और आशा करते हैं कि आप सभी को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप फिर भी कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। जो आपके डाउट्स हैं वो सब आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपके डाउट्स को प्रॉपरली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि हम आपके सारे डाउट्स को सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।